नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम बीटा गामा फंक्शन के अंदर एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट पढ़ेंगे, 0 to π/2 साइन पी एक्स कोस क्यू एक्स, यानी कि साइन की पावर पी एक्स, ठीक है ना, साइन की पावर पी इंटू एक्स। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट पढ़ेंगे, 0 to π/2 इंटीग्रेशन है साइन रेज टू पावर पी एक्स कोस रेज टू पावर क्यू एक्स डी एक्स, पी ग्रेटर देन माइनस वन, क्यू ग्रेटर देन माइनस वन, ठीक है ना। गामा फंक्शन के अंदर है, एक बीटा फंक्शन के अंदर भी ये रिजल्ट था, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बार एप्लीकेशन सोल्व करने के काम आता है, राइट। तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन 0 to π/2 साइन पी माइनस वन एक्स कॉस क्यू माइनस वन एक्स, और एक एक पावर निकाल लिया जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, राइट। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 to π/2 साइन स्केयर एक्स पी माइनस वन अपोन में टू, ठीक है ना, यहाँ स्केयर कर दिया तो यहाँ पावर 1/2 कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, पावर से पावर मल्टीप्लाई हुआ कैंसिल हो जाता है। और कॉस स्केयर एक्स क्यू माइनस वन अपोन में टू साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स, राइट। अब देखो, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको साइन स्केयर एक्स को क्या पुट कर देंगे, टी पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, टी, राइट। अब देखो, तो पुट साइन स्केयर एक्स को क्या पुट कर दिया, टी टू साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स इजिकल टू क्या हो गया, डी टी, ठीक है। यहाँ से थोड़ा एक काम और कर लेते हैं, पहले इसको, चलो ठीक है, ये कर दिया मैंने, यहाँ से आ गया 0 to π/2 साइन स्केयर एक्स पी माइनस वन अपॉन में टू, इसको चेंज कर लेते हैं 1 माइनस में साइन स्केयर एक्स, ताकि ये पुट करने में दिक्कत ना हो, तो 1 माइनस में साइन स्केयर एक्स की पावर क्यू माइनस वन अपॉन में टू साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब लिमिट चेंज हो जाएगी, अगर एक्स की वैल्यू जीरो है, इफ एक्स जीरो है देन, तो एक्स पी क्या होगा, जीरो, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है। इफ एक्स क्या है, 90, तो साइन 90 क्या होता है, वन होता है, और साइन स्केयर 90 भी वन होता है, तो टी की वैल्यू क्या हो गया, ऐसे वन हो गई, टी इक्वल टू क्या हो गया, वन। तो यहाँ से दिस इंप्लाई 0 to 1, ये कितना हो गया, टी की पावर है पी माइनस वन अपॉन में टू, 1 माइनस में टी की पावर है क्यू माइनस वन अपॉन में टू, और साइन एक्स डी एक्स साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन में टू ले जाएं इधर, ये टू हो गया ऐसे, तो क्या आ गया, ये 1/2, और ये क्या हो गया, साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स की क्या हो गया, डी टी अपॉन टू, समझ में आएगी बात बच्चों, ओके। अब देखो, अब हम यहाँ से एक फार्मूला जनरेट करेंगे, क्या, कौन सा फार्मूला, देखो ये क्या, किसका फार्मूला आ गया, ये आ गया हमारे पास 1/2 और बीटा पी माइनस वन अपॉन में टू प्लस वन क्यू माइनस वन अपॉन टू प्लस वन, यानी कि बीटा एम एन का फार्मूला है ये, ठीक है, ओके। अब देखो, इसके बाद बीटा एम एन का फार्मूला, वी नो दैट बीटा एम एन क्या होता है, गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, राइट। अब यहाँ से देखो, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, पी माइनस वन अपॉन टू प्लस वन, पी माइनस वन अपॉन टू प्लस वन, पी माइनस वन, ये दो इधर चला गया, प्लस टू अपॉन टू, ये आ गया पी प्लस वन अपॉन टू। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, ये तो यहाँ से आ गया बच्चों, बीटा 1/2 बीटा p
पी प्लस वन अपॉन में टू, और ये भी क्या आ गया क्यू प्लस वन अपॉन में टू। अब यहां से इसकी वैल्यू रख देते हैं, एम की जगह क्या है पी प्लस वन अपॉन टू, एन की जगह क्या है क्यू प्लस वन बाई टू। तो यहां से रखो गम्मा पी वन बाई टू आ गया भाई बच्चों, पी प्लस वन अपॉन में टू क्यू प्लस वन अपॉन में टू, ठीक है क्यू प्लस वन अपॉन में टू अपॉन में इन दोनों को जोड़ो पी प्लस वन अपॉन में टू क्यू प्लस वन अपॉन में टू। तो यहाँ से आ गया हमारे पास पी प्लस वन प्लस क्यू प्लस वन, पी प्लस क्यू प्लस टू, ठीक है ओके। और हाँ और अपॉन में टू, अपॉन में टू राइट। तो हमारे पास आ गया बच्चों ये अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं, पी प्लस गामा पी प्लस क्यू अपॉन में टू और प्लस वन, ठीक है ये हमारे पास क्या आ गया फार्मूला आ गया इसका, किसका ये जीरो टू पाई बाई टू, जीरो टू पाई बाई टू। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो आपको पी एक्स कॉस क्यू एक्स डी एक्स, तो ऐसे सोल्व करेंगे इसको, वन बाई टू गामा पी प्लस वन अपॉन टू इंटू में गामा क्यू प्लस वन अपॉन में टू अपॉन सॉरी अपॉन में क्या आ गया गामा पी प्लस क्यू अपॉन टू प्लस वन राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। एम प्लस एन मतलब ये मैंने सोल्व कर दिया, कोई बात नहीं, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, वन बाई टू गामा पी प्लस वन अपॉन टू और गामा क्यू प्लस वन अपॉन टू और गामा पी प्लस वन अपॉन टू प्लस में क्यू प्लस वन अपॉन में टू, सीधा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से आ गया ये इस फार्मूले का आप कमिट टू मेमोरी, इस फार्मूले का आप याद रखना, ठीक है ना। एक एग्जांपल देखते हैं, तो क्या ले लिया मैंने जीरो टू पाई बाई टू और साइन रेज टू पावर फाइव एक्स डी एक्स, इसको सोल्व करते हैं। तो देखो इसको इससे कंपेयर करते हैं, तो ये क्या आ गया ऐसे जीरो टू पाई बाई टू साइन फाइव एक्स और कोस रेज टू पावर जीरो एक्स डी एक्स, ऐसा फार्मूला बनाना आपने, ठीक है ना ओके। अब देखो तो यहाँ पे पी क्या है, यहाँ पर पी तो क्या है फाइव, क्यू क्या है यहाँ पर जीरो, पुट कर दो यहाँ पर सारा का सारा एज इट इज, ठीक है करो बच्चों पुट। वन बाई टू देखो यहाँ से देखना गामा पी की जगह क्या है फाइव, फाइव प्लस वन अपॉन में टू और जीरो प्लस वन अपॉन में टू, ठीक है सॉरी यहाँ से अलग से होगा ये जीरो प्लस में वन बाई टू, ठीक है अरे ये गामा है यहाँ से और अपॉन में गामा फाइव प्लस वन अपॉन में टू और प्लस वन बाई टू, जीरो प्लस वन बाई टू, ठीक है ना जीरो प्लस वन बाई टू राइट। यहाँ से क्या आ गया मेरे पास वन बाई टू, ये हो गया सिक्स बाई टू यानी कि पाई थ्री गामा थ्री और ये क्या है गामा वन बाई टू अपॉन में ये क्या आ गया बच्चों ऐसे ये कितना आ गया सिक्स बाई टू यानी गामा थ्री प्लस में और वन बाई टू राइट ओके। इसको सोल्व करते हैं देखो अभी, तो क्या आ गया बच्चों ऐसे वन बाई टू गामा थ्री, गामा थ्री कितना है गामा थ्री, ये देखो गामा एन फार्मूला क्या होता है, अगर एन इंटीजर है तो एन माइनस वन का फैक्टोरियल, और गामा एन अगर एन कैसा है नंबर है रियल, तो क्या होता है एन माइनस वन में और गामा एन माइनस वन, ये होता है फार्मूला, ठीक है ना। तो दोनों फार्मूलों का यूज करेंगे हम यहाँ से, क्या वन बाई टू गामा थ्री क्या होगा बताओ, गामा थ्री क्या होगा टू थ्री माइनस वन का फैक्टोरियल, थ्री माइनस वन का फैक्टोरियल का मतलब है टू फैक्टोरियल का मतलब है टू, चलो लिख देते हैं। और गामा वन बाई टू क्या होता है रूट पाई,
गामा वन बाई टू क्या होता है, रूट ए पाई अपॉन में बच्चों ये देखो ये क्या है गामा, ये कितना हो गया 7/2, क्या हो गया ये 7/2। देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखो बड़ा आसान तरीका है। गामा 7/2 को कैसे लिख सकते हैं, पहले लिखो देखो एन माइनस वन यानी कि 5/2 इंटू में फिर देखो 5/2 और गामा क्या लिखेंगे 5/2, समझ में आई बात है। लेकिन 5/2 को फिर तोड़ देंगे क्या किसमें, इसी इसी फार्मूले से, फिर क्या आ जाएगा 3/2 और गामा 3/2 हो जाएगा। फिर इसको फिर तोड़ देंगे इसी फार्मूले से, क्या आ जाएगा इंटू में 1/2, ठीक है ना, और इंटू में गामा 1/2, तो ये ऐसे टूट जाएगा। तो मेरे पास क्या आएगा कुल मिला के 5/2 इंटू में 3/2 इंटू में 1/2 और गामा 1/2 क्या हो गया रूट ए पाई, रूट पाई से रूट पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करो 15, ये आ गया आंसर हमारे पास है 1/15/8, ठीक है। तो ये कैसे था 8/15 ही तो है, ठीक है ना, 8/15 आंसर आ गया बच्चों इसका। ये 30 पता नहीं कैसे गलत फहमी हो गई, ठीक है ना, तो ये क्या आ गया 8/15 आंसर आ गया इसका, ठीक है ना। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।